Good morning, students. In today's class, now we are going to discuss about some special transactions in which purchase account should be credited. Theoretical form में हमने previous video में इसको clear कर लिया था, but आज हम इसे एक practical form में implement करेंगे. एक example के through वो हमें देखना है. Okay? For example. Enter the following transaction. In the books of Mr. Ramesh, एक proprietor है, whose name is Ramesh. और रमेश के रूप में हमें ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं. अब मैं इसको डेट वाइज मेंटेन करके चल रहा हूं, आप सिस्टमेटिक मैनर में इसको मेंटेन करेंगे. 2014 अप्रैल 7 गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस बाय द प्रोप्राइटर रमेश. 10,000 का गुड्स जो है रमेश ने अपने पर्सनली यूज के लिए विड्रॉ कराया. ठीक है. नंबर टू अप्रैल 9 गुड्स वर्थ रुपीज 15,000 डेस्ट्रॉयड by fire. Okay. Number 3, April 14, goods worth rupees 20,000 distributed as a free sample. And last and final, number 4, April 15, goods worth rupees 5,000 given as charity. Okay. कुछ special transactions हैं जिसमें हमने purchase को credit करना है. नॉर्मली कंडीशन में परचेज ऑलवेज डेबिट हो रहा था, ये प्रीवियस वीडियो में हमने क्लियर करा था. परचेजेस अकाउंट डेबिट, अगर आप क्रेडिट भी आप तक परचेज कर रहे हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जो भी सप्लाई नेम है. अगर आपने कैश भी आप तक कुछ परचेज करा था, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ओके. बट आज जो हमारा टॉपिक वो है प्रैक्टिकल फॉर्म में जो हमारे कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन है जिसमें हम परचेज को क्रेडिट कर रहे हैं. ओके. बिल्कुल सिस्टमेटिक मैनर में हमें चलना है, एक फॉर्मेट को फॉलो करना है. एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रमेश. ओके. डेट पर्टिकुलर एल एफ डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट. ठीक है. डेट पर्टिकुलर एल एफ लेजर फोलियो एंड अमाउंट डेबिट एज वेल एज क्रेडिट. ओके. अब एक कंडीशन हम इसमें ये ले रहे हैं कि इंडिविजुअली एक सम एक्सप्लेन करने के लिए, आपको बताने के लिए, समझाने के लिए मैंने स्पेशल ट्रांजेक्शन जिसमें हम परचेज को क्रेडिट करेंगे और उससे कर रहे हैं, तो मैं इसमें टोटल सी एफ ले बढ़ाऊँ. मंथली बेसिस पे जब हमारी एंट्रीज मेंटेन होगी हम उसमें इस चीज को करेंगे. ठीक है. अभी केवल आप एंट्री बनाएंगे 2014 फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 7. ओके.
गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 यूज फॉर ए पर्सनल पर्पस और गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज हाउसहोल्ड यूज फॉर हिज डोमेस्टिक यूज और पर्सनल यूज. ओके, इट इज नोन एज ड्रॉइंग्स. एन अमाउंट और गुड्स विच विल बी विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस इज नोन एज ड्रॉइंग्स. ठीक है, ये हमारा ड्रॉइंग्स हो गया. ड्रॉइंग्स एक तरह से हमारे लिए एक लॉस होता है बिकॉज जो कुछ हमें सोल्ड करना था और हमें कुछ प्रॉफिट अर्न होता वो अब नहीं होगा. तो इट इज ए नॉमिनल नेचर अकाउंट. ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट. कैपिटल में हम जब आगे इसको ट्रीटमेंट करेंगे तो कैपिटल में इसको डिडक्ट भी करेंगे. कैपिटल में इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है. अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हमने क्लियर करा था जब हम मॉडर्न अप्रोच करते थे. तो ड्रॉइंग्स इज अ डेबिट. Either it is a cash or goods. चाहे आपने कैश का ड्रॉइंग्स करा हो चाहे आपने गुड्स का ड्रॉइंग्स करा हो, ड्रॉइंग्स एक फाइनेंशियली लॉस होता है. हम अपने यूज में ले रहे हैं तो जो गुड्स सोल्ड होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है. इट इज अ फाइनेंशियली लॉस. नॉमिनल नेचर की तरह इसको डेबिट करेंगे. तो एंट्री क्या हुई इसकी? ऑल द एक्सपेंस लॉस आर डेबिट. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, ये गुड्स विड्रॉ कर रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए और वही गुड्स हमारे राइट्स में होता है जो हमारा खुद का है, दैट मींस परचेज गुड्स. तो इट इज नेगेटिव ऑन गुड्स और वो गुड्स कौन सा है? क्रेडिट व्हाट गोज और जो हमारा परचेज करा हुआ. तो ऐसी कंडीशन में हमें परचेज करना पड़ेगा क्रेडिट. तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट है लेकिन गुड्स हमारे पास सेल हो रहा है, हम यूज नहीं कर सकते. तो इसको परचेज में एडजस्ट करेंगे रुपीज 10,000 एज वेल एज 10,000 नरेशन. नरेशन बीइंग गुड्स यूज्ड फॉर प्राइवेट और पर्सनल पर्पस. ओके, देन एक लाइन का स्पेस और लाइन ड्रॉ करेंगे. उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 9, गुड्स वर्थ रुपीज 15,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर. 15,000 का गुड्स था, लॉस बाय फायर है. इट इज अ एबनॉर्मल लॉस. एबनॉर्मल लॉस है. इट इज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट. बिल्कुल सिंपल चीज है. ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट. तो हम इसको क्या करके चलेंगे? एबनॉर्मल लॉस किसी भी रीजन से हो सकता है. लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट. ओके, तो ये लॉस बाय फायर है, इट इज एबनॉर्मल रीजन, लेकिन है नॉमिनल नेचर अकाउंट. ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट. हम अगला जो एग्जाम्पल करेंगे इसी लॉस बाय फायर को एक इंश्योर्ड मान के क्लेम एडमिट करेंगे, रिसीव करेंगे, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में थ्योरिकल फॉर्म में भी बता रखा उसको प्रैक्टिकली हम करेंगे. तो अभी हमारे पास कंडीशन क्या है कि 15,000 का गुड्स जो है मिस्टर रमेश का अप्रैल 9 के अंदर डिस्ट्रॉयड बाय फायर. ओके, एंट्री एबनॉर्मल लॉसेस अकाउंट डेबिट. व्हाट इज द रीजन ऑफ एबनॉर्मल लॉस? बिकॉज ऑफ लॉस बाय फायर. ठीक है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट. गुड्स वही सेम सिमिलर चीज, जो गुड्स हमारा है वही तो डिस्ट्रॉय होगा. तो ये गुड्स परचेज करा हुआ है हमारा पास से राइट्स है, इसको भी हम कहां से एडजस्ट करेंगे? परचेज में से टू परचेज इज अकाउंट. ओके, हाउ मेनी अमाउंट? दैट इज रुपीज 15,000. ओके, narration being goods destroyed by fire. Okay, complete. लेकिन ये केवल मैंने एग्जाम्पल में आपको जो आज स्पेशल ट्रांजेक्शन शो कर रहे हैं ये मंथली बेसिस पे नहीं है हमारे, फर्स्ट से लेकर 30 अप्रैल तक के, नहीं तो हम इसका भी टोटल करते हैं. तो अभी तो हम बेसिक चीज समझ रहे हैं, इसलिए हमने इसका
टोटल सी एफ और नहीं करा, क्योंकि हमने कुछ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन लिए हैं, सम एक्सपेक्टेड ट्रांजेक्शन इन विच परचेज अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। ये तो मैं टोटल नहीं कर रहा हूँ, अब कंटिन्यू कर रहे हैं हम। वैसे डेट पर्टिकुलर एल एफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, ओके डेट पर्टिकुलर एल एफ अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, पर्टिकुलर एल एफ अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, ओके कंटिन्यू हम कर रहे हैं। अप्रैल 14 गुड्स वर्थ रुपीज 20,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट। एक नया प्रोडक्शन हमने लॉन्च करा होगा मिस्टर रमेश ने, और उस नए प्रोडक्शन को लॉन्च जो करा है उसको प्रमोट करने के लिए ये फ्री सैंपलिंग कर रहा है। ठीक है, हमें एक बात अच्छे से पता पड़ा, जो हमारे कॉस्टली जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, जो महंगे प्रोडक्शन होते हैं, उन्हें हम फ्री डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो नॉर्मली अपने पास कंज्यूम गुड्स वगैरह जो होते हैं, ऑयल वगैरह है, हेयर ऑयल्स वगैरह है, शैम्पूज वगैरह जो भी है, कहता है कि नया प्रोडक्शन आया कुछ चेंजेस ला रहे हैं हम, इसलिए हम उसको फ्री सैम्पलिंग कर रहे हैं डोर टू डोर, ताकि उसको यूज़ करिए, अगर आपको अच्छा लगता है आप परचेज करिए। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन, ये हमारा सेल्स प्रमोशन का पार्ट है। इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ, हम इसको लॉस तो क्या बोलेंगे क्योंकि इसका बेनिफिट हमें मिलता है। इट इज अ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, आप इसको फ्री सैम्पलिंग के नाम से भी शो कर सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, दोनों ही ऑप्शन हमारे पास है। फ्री सैंपल भी आप इशू कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट को फ्री सैंपलिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सेल्स प्रमोट करने के लिए आपने अपना एडवर्टाइजमेंट करा उसका पार्ट है, तो आप दोनों ही ऑप्शन है, हम मैं दोनों ही आपको शो करूंगा। बट इट इज अ एक्सपेंसेस, इट इज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो मैं जब इसकी एंट्री करूंगा तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, आप फ्री सैंपलिंग आप कुछ पैसे करेंगे जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ परचेज, क्रेडिट वार्ड गोज आउट, दैट इज परचेज पार्ट, इसमें भी हमने परचेज को क्रेडिट कर दिया टू परचेज हाउ मेनी अमाउंट That is 20,000 and 20,000. Narration being goods distributed as free sample. Okay. Last and final. जिसमें परचेज हमारा क्रेडिट हो रहा है, गुड्स वर्थ रुपीज 5,000 गिवन एज ए चैरिटी, डोनेशन कर दिया, चैरिटी कर दिया हमने गुड्स का। कैश का भी आप चैरिटी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमने गुड्स का डोनेशन कराया। अब चैरिटी इज ए नॉमिनल नेचर अकाउंट, जो गुड्स आप बेच के प्रॉफिट अर्न करते वो आपने चैरिटी कर दिया, तो इट इज अ पार्ट ऑफ लॉस, नॉमिनल नेचर अकाउंट है, लेकिन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नॉमिनल नेचर में वही ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो चैरिटी या डोनेशन जो हम करेंगे वो हमें डेबिट करना है। डेट अप्रैल 15 चैरिटी अकाउंट डेबिट, इट इज ऑल्सो रजिस्टर्ड आउट ऑफ परचेज, आपको इसे भी परचेज रजिस्टर करना है टू purchases account, ठीक है? How many amount? Rupees 5,000. Okay. Narration being goods given as charity. Okay. तो ये कुछ special transaction आज हमने करे हैं, जिसमें हमने परचेज को क्रेडिट करा।
बाकी नॉर्मल कंडीशन में परचेज इज ऑलवेज डेबिट, आइदर इट इज अ कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम जब मंथली बेसिस पे अपने ट्रांजेक्शन को ऑपरेट करेंगे, ये रेगुलर तो नहीं आते हैं हमारे, मंथली बेसिस पे आप ट्रांजेक्शन मेंटेन करते हैं तो बीच बीच में ये ट्रांजेक्शन आ जाते हैं, किसी भी डेट में अप्रैल 25 में आ सकते हैं, अप्रैल 27 में, अक्टूबर में आ सकते हैं, नवंबर में आ सकते हैं, तो आप उसकी एंट्रीज बनानी पड़ेगी। ओके, तो ये कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन आज हमने आज की क्लास में हमने क्लियर करे हैं, इन विच परचेज अकाउंट एज क्रेडिट। अब थोड़ा आगे का टॉपिक मैं आपको क्लियर करता हूँ जो हम प्रैक्टिकल करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने करा था लॉस बाय फायर, गुड्स हमारा डिस्ट्रॉयड हो गया बाय फायर, गुड डिस्ट्रॉयड हो गया फायर से, या लॉस बाय थेफ्ट हो गया, या लॉस बाय एक्सीडेंट हो गया हमारे पास में, तो इट इज एबनॉर्मल रीजंस। ये कुछ एबनॉर्मल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारा गुड्स जो है डिस्ट्रॉयड होता है। बट इन एबनॉर्मल लॉसेस से बचने के लिए हमने अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा है, इंश्योर्ड होता है वो, ठीक है। नॉर्मल लॉसेस का कोई इंश्योरेंस नहीं है, बट एबनॉर्मल लॉसेस का हम इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। अब वो इंश्योरेंस कंपनी जब आप क्लेम करेंगे, कितना क्लेम आप एडमिट भी करते हैं पहले, और क्लेम एडमिट करने के बाद में आफ्टर फ्यू डेज आपको उसका कुछ अमाउंट रिसीव होगा, वो हमें देखनी है। तो एक नॉर्मल कंडीशन है कि हम एक इंडिविजुअली हम इसका भी लेंगे जिसमें एक एबनॉर्मल लॉस हो गया, देन एबनॉर्मल लॉस के बाद में हमने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम एडमिट करा, और क्लेम एडमिट करने के बाद में आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 20 डेज, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, जब भी लग रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, वो हमें क्लेम का अमाउंट देगी। लेकिन क्लेम का अमाउंट हम फुली रिसीव भी कर सकते हैं और पार्टली रिसीव भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर के ऊपर, उनके रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर, जब वो आते हैं वेरिफिकेशन करते हैं स्टॉक वगैरह का उसमें क्या कंडीशन है, ठीक है ना। तो वो हमारे लिए टॉपिक होता, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वो भी आपको देख के चलना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मेरी जो नेक्स्ट वीडियो में अपनी जो प्रैक्टिकल सा हम करेंगे वो इसी चीज़ का करेंगे, लेकिन साथ में कुछ और एलिमेंट्स में हम इसको इंक्लूड करेंगे। जैसे आपने कुछ परचेज करा, ओके, उसमें कुछ गुड्स डिफेक्टिव आ गया, आपने रिटर्न कर दिया, ओके, एंड देन फाइनल सेटलमेंट में आपने जब अमाउंट पे करा है तो उसमें कैश डिस्काउंट फैक्टर एप्लीकेबल हुआ। लेकिन एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न हमें ट्रेड डिस्काउंट फैक्टर को भी इसमें एप्लीकेबल करेंगे। तो इसी से मिलता जुलता फिर हम से एज सिमिलर हम सेल्स में भी इसको अप्लाई करेंगे कि हमने कुछ सोल्ड करा, ट्रेड डिस्काउंट के बाद में कुछ गुड्स डिफेक्टिव चला गया, उसने हमको रिटर्न कर दिया कस्टमर ने आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट करने के बाद में, और फाइनल सेटलमेंट में हमें कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेटिव एंट्रीज होती है जो आपको क्लियर करनी पड़ेगी। बेसिक एंट्री हम नॉर्मली क्लियर कर देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेटिव कंडीशंस भी आती है, जैसे इस तरह से फुल सेटलमेंट हो गया, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम हमें देगी, ये भी आपके लिए प्रैक्टिकल फॉर्म में जो है समझना बहुत जरूरी होता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, ओके, इसको लाइव क्लास में भी हम करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको रेगुलर अपनी स्टडी को मेंटेन रखना है, सेफ भी रहना है बेटा, ठीक है, अपनी रेगुलर स्टडी को मेंटेन कीजिए। कोई भी डाउट्स वगैरह आपके आते हैं, क्यूरीज वगैरह होती है, आप हमसे डिस्कस कीजिए, नॉट प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अब धीरे धीरे हमारा प्रैक्टिकल बढ़ेंगे सब, आपकी कुछ ना कुछ क्यूरीज निकल के आएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, वो हम सॉल्व करने के लिए बैठे हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड बी सेफ एट योर होम एंड डू योर स्टडी रेगुलरली। Thank you.